हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम 10 ईडियम्स की स्टडी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और फ्रेक्वेंटली पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। और तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि टोटल स्कोर आपका इस ईडियम्स में कितना हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम फीस में ओनली 399 रुपीज़ में 8 मंथ वैलिडिटी के साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बैच मिलेगा, जो आप बहुत ही यूजफुल होगा आपके हर तरह की परीक्षाओं के लिए। और लगभग सारे टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर किए हुए हैं विद PDF नोट्स के साथ। तो सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ईडियम है टू कैच समवंस आई। तो टू कैच समवंस आई जो आपका ईडियम है, इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, यानी किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, कैच समवंस आई। एग्जाम्पल देखें, हिज लाउड वॉइस कॉट एवरीवंस आई, यानी कि उसकी ऊंची आवाज़ ने, उसकी लाउड मतलब ऊंची, उसकी ऊंची आवाज़ ने हर किसी का या प्रत्येक का क्या किया, ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ। क्लियर है? तो यहाँ पर कैच एवरीवंस आई का मतलब एवरीवंस आई प्रत्येक व्यक्ति की आँख से रिलेटेड नहीं है, ईडियम्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारे ईडियम्स आपको समझ में आने लगेंगे। और सेकेंड ईडियम है टू क्राई वंस आईज आउट। टू क्राई वंस आईज आउट का मीनिंग है आपका बहुत ज़्यादा रोना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सी वॉज क्राइंग हर आईज आउट एट हर मदर्स डिमाइज, यानी कि हुआ है अपनी माँ की डिमाइज, मतलब होता है मृत्यु, अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, क्लियर, यानी वह अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पर ईडियम यूज हुआ, और कौन सा ईडियम यूज हुआ, वो आपका क्राई वंस। अब वंस के स्थान पर सब्जेक्ट सी है, तो हर आया सब्जेक्ट ही होता, तो यहाँ हिज हो जाता वंस के स्थान पर, है ना, पजेसिव केस है। तो ये ध्यान रखना, ईडियम से आप में आपको मोस्टली वंस वगैरह मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा ईडियम टू ओपन समवंस आईज। अब टू ओपन समवंस आईज का मतलब होता है आँखें खोलना, है ना, यानी किसी की आँखें खोलना। या एग्जाम्पल देखते हैं, हिज स्पीच ओपन्ड एवरी वंस आईज, यानी कि हिज स्पीच यानी उसके भाषण ने हर किसी की या प्रत्येक की आंखें खोल दी, ये होगा इसका मीनिंग। तो याद रखो, ओपन समवंस आईज मीन्स होता है आंखें खोलना। नेक्स्ट, अब आंखें खोलने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को सच्चाई से परिचित कराना, ये उसका मीनिंग होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है फोर नंबर का टू सी आई टू आई विद समवन। अब समवन के स्थान पर कोई भी आप समबडी लिख सकते हैं। ठीक है, टू सी आई टू आई विद समवन का मीनिंग होता है एक जैसी राय देना, एक जैसी सलाह देना, एक जैसी राय देना। आई सी आई टू आई विद माई फ्रेंड इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर पर मैं क्या करता हूँ, इस मैटर पर या इस मामले में मैं अपने दोस्त के साथ एक जैसी राय है, यानी मेरी और मेरे दोस्त की जो राय है वो एक जैसी है, इसका मीनिंग होगा। तो याद करो कि टू सी आई टू आई विद समवन, अब समवन के स्थान पर कोई भी पर्सन आप लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक जैसी राय देना, एक जैसी सलाह देना। फाइव नंबर का ईडियम, एंड फाइव नंबर के ईडियम में है टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना, या फिर किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखें कि ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स मिस्ची, यानी कि उसने अपने बेटे की मिस्ची मतलब शरारतों को क्या कर दिया,
टर्न ए ब्लाइंड आई कर दिया। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब कि उसने अपने बेटे की शरारतों को नज़रअंदाज कर दिया। ये मीनिंग होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। यस, नेक्स्ट है सिक्स, और सिक्स नंबर की इडियम में है विद एन आई टू समथिंग। विद एन आई टू समथिंग मीन्स किसी खास उद्देश्य के साथ। ठीक है, क्या होगा? किसी खास उद्देश्य के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया विद एन आई टू हिज मैरिज। किस उद्देश्य से आया? वह मेरे घर आया शादी के खास उद्देश्य से, यानी वह शादी के खास उद्देश्य से मेरे घर आया। ये इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपका जो इडियम था विद एन आई टू, और यहाँ पर था समथिंग। समथिंग के स्थान पर कोई भी कार वगैरह या कोई भी चीज़ वहाँ पर हो सकती है। आगे है आपका सेवन। सेवन में है टू हैव आईज इन द बैक ऑफ हेड। टू हैव आईज इन द बैक ऑफ हेड मीन्स बहुत चौकन्ना होना। ठीक है, बहुत चौकन्ना होना। एग्जाम्पल देखें, एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव हैज आईज इन द बैक ऑफ हिज हेड। यानी कि जो एक्सपर्ट जासूस होते हैं, जो मतलब बहुत ही अच्छे जासूस होते हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं किसी चीज़ में, वो क्या होते हैं? हैव आईज इन द बैक ऑफ हिज हेड, मतलब बहुत ही चौकन्ने होते हैं वो। ठीक है, एट नंबर में है टू फॉल ऑन डीप ईयर्स। टू फॉल ऑन डीप ईयर मतलब होता है नज़रअंदाज कर दिया जाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे सिमिलर इडियम देखा था। तो यहाँ पर है कि माई रिक्वेस्ट टू माई कलीग्स टू स्मोक आउटसाइड फेल ऑन डीप ईयर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेल ऑन डीप ईयर्स, मीन्स कि अपने सहयोगियों को किसका धूम्रपान करने की मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ये इसका मीनिंग होगा। तो याद करें, टू फॉल ऑन डीप ईयर मीन्स नज़रअंदाज कर दिया जाना किसी कार्य को। नाइन एंड टेन दोनों देख लेते हैं। टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स मीन्स होता है ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, मतलब टू बी ऑल ईयर्स। जैसे द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स वाट एवर द टीचर वॉज टीचिंग। यानी विद्यार्थी क्या कर रहे थे? ध्यान से सुन रहे थे जो भी शिक्षक पढ़ा रहा था। ये इसका मीनिंग। तो यहाँ पर आप याद करें टू बी ऑल ईयर मीन्स, अब यहाँ पर टू बी लगा हुआ है, बी वर्ब बी यूज हो जाएगी, तो यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बी वर्ब होती है आपकी एज एम आर वाज वर्ब। एंड लास्ट है 10 नंबर का, और इसमें है टू हैपन समथिंग अंडर वंस नोज। यानी किसी की नाक के नीचे कोई चीज़ होना। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखें नाक के नीचे होना, अब ऐसे कहेंगे किसी की उपस्थिति में कोई कार्य हो रहा है ना, स्पेशली इलीगल चीज़ें वगैरह आती हैं इसमें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। टू हैपन समथिंग अंडर वंस नोज मीन्स किसी की उपस्थिति में कोई चीज़ हो जाए। द इंसिडेंट्स ऑफ पिक पॉकेटिंग आर गोइंग ऑन अंडर द पुलिसमैन्स नोज। यानी कि जो जेब कतरने की घटनाएं हैं वो पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में हो रही हैं। ये इसका मीनिंग होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये थी आज की क्लास में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स। आपको ईडियम्स कैसे लगे कमेंट के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, और यदि आप लोगों ने पूरी क्लास को वॉच किया है तो टोटल स्कोर भी अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।